कंप्यूटर फंडामेंटल दा पार्ट नंबर 19 आज इस दे विच आपा सिखांगे एमएस डॉस बारे। एमएस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुंदा सी। पुराने जिहड़े कंप्यूटर हुंदे सी उहदे विच एमएस डॉस आउंदी सीगी। एमएस डॉस दे विच की हुंदा सीगा, इक कमांड प्रॉम्प्ट अपनी को विंडो हुंदी सी जिहदे विच आपा की आ कमांड्स नूं एग्जीक्यूट करके ही अपनियां फाइल्स नूं डिलीट कर सकदे सीगे, मूव कर सकदे सी, न्यू बना सकदे सीगे, कोई भी आपां जिहड़ा कम कर सकते सीगे उस सारा कमांड्स दे थ्रू हुंदा सीगा, क्योंकि उदो अपने कोल माउस नहीं हुंदे सीगे। सो हुण माउस आउण दे नाल अपना इंटरफेस जिहड़ा आ ओह बहुत ही आसान हो गया आ, कम बहुत ही आसान हो गया आ, चलाउणा कंप्यूटर बहुत ही आसान हो गया आ। बट जदों अपने कोल माउस नहीं सी तां उस टाइम आपां एमएस डॉस दी वरतों करदे सी, कमांड्स दी यूज करदे सी। हुण भी अज कल दे जमाने दे विच भी एमएस डॉस कई जगह ते यूज हुंदी आ, क्योंकि कई काम इस तरह दे ने जिहड़े कि आपां माउस दे नाल नहीं कर सकते आ। सो ओह काम जिहड़े आ अज भी अपने कमांड प्रॉम्प्ट दे उत्ते हुंदे आ, मतलब एमएस डॉस दे उत्ते हुंदे आ। जे तुसीं लाइफ दे विच कदी भी अपने प्रोग्रामर बनना चाहुंदे हो, कोई भी वैब डिवेलपर बनना चाहुंदे हो, कुछ भी इस तरह दा कुछ तुसीं कोर्स करना चाहुंदे हो, तां बेसिक वे तुहानूं एमएस डॉस बारे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी आ। सो इस करके अज एमएस डॉस बारे आपां सिखदे आ बेसिक जानकारी। चलो जल्दी नाल डेस्कटॉप ते चलदे आ ते स्टार्ट करदे आ। सब तो पहला कमांड प्रॉम्प्ट नू ओपन करन दे लई आपां प्रेस करांगे स्टार्ट बटन दे उत्ते। स्टार्ट बटन दे सर्च बॉक्स दे विच टाइप करांगे CMD और एंटर प्रेस कर दांगे, दैन अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सो इसका एक होर सैकेंड ट्रिक तरीका हुंदा आ कि आपां कीबोर्ड तो प्रेस करके भी इहनूं ओपन कर सकदे। फिलहाल इहनूं क्लोज़ करदे हां ते कीबोर्ड तो प्रेस करदे हां Windows+R ते इस रन बॉक्स दे विच टाइप करांगे CMD और ओके ते क्लिक करांगे। इस तरह भी आपां कमांड प्रॉम्प्ट नूं ओपन कर सकदे हां। देखो इसनूं आपां किसी भी साइड नूं मूव कर सकदे हां, इहनूं छोटा वड्डा कर सकदे हां, अगर जिद्दां दा भी तुहानूं इहदा साइज़ चाहीदा आ। सो आपां इस टाइम हैगे आ C यूज़र एंड सोनू, मतलब कि लोकल डिस्क C दे विच यूज़र नाम दे फोल्डर विच इक फोल्डर आ सोनू। सो उसते आपां इस टाइम अपना करसर हैगा आ। सो आपां अगर सिस्टम दी इनफॉर्मेशन लैनी हुंदी आ तां आपां कमांड यूज़ करदे आ सिस्टम इनफो। अगर मैं इत्थे सिस्टम इनफो लिख के टाइप करदी आ, एंटर करदी आ, दैन उस तो बाद मैनूं जिहड़ा आ मेरे सिस्टम दी सारी इनफॉर्मेशन मिल जांदी आ कि मेरा PC कदों शुरू होया सी, मतलब कि इस PC दा नाम की आ, इहदे विच कदों विंडो इंस्टॉल कीती सी लास्ट टाइम ते कीहड़ी विंडो इंस्टॉल कीती होई आ, रैम किन्नी आ, प्रोसैसर किन्ना आ, ड्राइव्स कीहड़ियां कीहड़ियां ने, सारी दी जानकारी जिहड़ी आ उह मिल जांदी आ कि की मेरे PC विच है। हुण देखो ये काफ़ी सारा टैक्सट लिख के हो गया आ। सो इस टैक्सट नूं अगर मैं क्लीयर करना होवे, मतलब कि डिलीट करना होवे, दैन मैं इत्थे यूज़ करूँगी CLS एंड टाइप एंटर कर दाँगी। एंटर करन दे नाल मेरी सारी स्क्रीन क्लीयर हो गई आ। हुण इत्थे कुछ भी होर कोई टैक्सट एक्सट्रा नहीं हैगा, सिर्फ उत्थे आ जिथे मेरा करसर हैगा आ। सो अगर मैं डेट चैक करनी होवे, दैन मैं डेट लिख के एंटर कर दाँगी, दैन मैनू मेरी जिहड़ी आ PC दी डेट पता लग जाएगी कि अज दी डेट की है। इस तरह टाइम चैक कर सकदे आ, टाइम लिख के उस तो बाद एंटर कर देना आ। सो इस तरह आपां जिहड़ी अपनी टाइम जिहड़ी आ अपनी पता कर सकदे आ PC दी। सो इस तरह अगर आपां वर्जन चैक करना होवे, दैन VER आपां टाइप करांगे, उस तो बाद एंटर कर देंगे, दैन आपां नूं अपने PC दा वर्जन पता लग जाएगा कि केड़ा वर्जन आ। सो इस तरह जिहड़ियां अपनियां इही कमांड्स नूं यूज़ करके आपां बेसिक जानकारी जिहड़ी आ उह लै सकदे आं अपने कमांड प्रॉम्प्ट दे थ्रू। हुण देखो आपां अगर मैं लोकल डिस्क कंप्यूटर दे विच जाके देखो इत्थे लोकल डिस्क C आ, आपां इस टाइम कित्थे आ, मतलब कि लोकल डिस्क C दे यूज़र फोल्डर दे विच, यूज़र तो बाद सोनू फोल्डर आ। देखो सोनू फोल्डर दे विच आ काफ़ी सारियां फाइल्स आ, बट आपां हजे कित्थे आ C यूज़र एंड सोनू, आपां इन्हां विचों आ किसी फाइल दे विच नहीं हैगे, आपां सिर्फ सोनू तक दे फोल्डर दे विच आ। ते हुण सपोज़ करो कि आपां लोकल डिस्क जिहड़ा D आ उस दे विच जाणा आ। हुण इस टाइम हैगे आपां C दे विच, आपां D दे विच जाणा, D दे विच इक फोल्डर हैगा किरण नाम दा। हुण इस फोल्डर दे विच आपां जाणा आ। अगर मैं इस फोल्डर नूं ओपन करदी हाँ तां इस फोल्डर दे विच इक फाइल आ सिर्फ, ते हुण आपां जाणा आ D ते किरण नाम दे फोल्डर विच। सो उहदे विच जाण दे लई आपां नूं करना पैणा चेंज। सो इत्थे आपां यूज़ करांगे चेंज डायरेक्टरी, मतलब CD लिख के उस तो बाद दो वारी डॉट डॉट लिखना, उस तो बाद एंटर कर देना। जदों इस तरह आपां एंटर करांगे, दैन अपनी जिहड़ी डायरेक्टरी आ चेंज होगी, मतलब हुण आपां यूज़र वाले फोल्डर 'च आ गए, सोनू नाम दे फोल्डर 'चों बाहर आ गए। सो इसे तरह दोबारा टाइप करांगे CD डॉट डॉट, उस तो बाद आपां यूज़र नाम दे फोल्डर 'चों भी बाहर आ गए। हुण उस तो बाद आपां D
कॉलन मतलब जिस फोल्डर दे विच जाना है उस फोल्डर का नाम लिख के उस तो बाद कॉलन साइन जिहड़ा है एंटर करांगे। उस तो बाद फिर उस तो बाद आपां हुण देखो इहदे विच आ गए, हुण आपां सीडी स्पेस लिख के स्लैश फोल्डर का नाम मतलब फोल्डर का नाम की सी किरण डी दे विच, सो मैं किरण लिखिया उस फोल्डर दे विच मैं चले गई। हुण सपोज कि मैं उत्थे एक जिहड़े आ तीन फोल्डर क्रिएट करने आ, सो मैं उहदे लई कमांड यूज़ की एम के डायरैक्टरी मतलब डी आई आर, उस तो बाद स्पेस पा के मैं लिखा लॉकडाउन मतलब तीन फोल्डर चाहिए आ, सो स्पेस पा के मैं टैक स्पेस पा के स्टडी लिख दिता। सो इस तरह लिखन दे नाल जिहड़े मेरे तीन फोल्डर आ डी ड्राइव दे विच किरण नाम दे फोल्डर दे विच हुण ए फोल्डर क्रिएट हो चुके होने आ। सो आपां चैक कर लैने आ, देखो तीन फोल्डर क्रिएट हो गए, पहला सिर्फ एक ही फाइल सी, सो हुण इत्थे जिहड़े आ लॉकडाउन टैक स्टडी मतलब तीन फोल्डर जिहड़े आ उह इत्थे क्रिएट हो चुके आ। सो इस तरह आपां जिहड़े आ इस दे विच फाइल जिहड़े आ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी, उस तो बाद उहदे विच कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। हुण देखो इत्थे मैं टाइप किया एम के डायरैक्टरी, अगर मैं एक फोल्डर क्रिएट करना दैन उस फोल्डर का नाम सपोज मैं लॉकडाउन टैक्स स्टडी रख दिता, दैन एक फोल्डर भी जिहड़ा उह मैं क्रिएट कर सकती हाँ। सो इस तरह जिहड़ा मैं इहदा फोल्डर का नाम रख दिता लॉकडाउन टैक्स स्टडी, सो ये फोल्डर भी मेरा एक इत्थे क्रिएट हो गया आ। हुण सपोज आपां डिस्कटॉप दे उत्ते जाणा आ, मतलब डिस्कटॉप दे उत्ते आपां कुछ फोल्डर क्रिएट करना चाहुंदे, कोई फाइल क्रिएट करना चाहुंदे आ, सो उसदे लई आपां टाइप करांगे दोबारा क्योंकि चेंज करना आ, सो दोबारा टाइप कीता इत्थे सी डी उस तो बाद डॉट डॉट और उस तो बाद आपां एंटर कर देना। देखो किरण नाम दे फोल्डर चो बाहर आ गए हैं। हुण इस तरह सी डी डॉट डॉट पा के आपां दोबारा क्लिक किया और उस तो बाद जिहड़ी फोल्डर दे विच जाना आ उसका नाम लिख के उस तो बाद कॉलन मतलब हुण आपां सी क्योंकि डिस्कटॉप जिहड़ा आ उह सी दे विच हुंदा आ, मतलब अपनी विंडो इंस्टॉल सी दे विच होई हुंदी आ, सो इस करके सी उस तो बाद कॉलन उस तो बाद एंटर कर दिता। हुण सी डी उस तो बाद स्पेस एंड फिर स्लैश पा के यूजर्स क्योंकि यूजर्स दे विच जाना पैना है हुण आपां नूं पहला, फिर ही आपां डिस्कटॉप ते जा सकते हैं। सो इस तरह सी डी उस तो बाद आपां लिखिया सोनू। हुण देखो फोल्डर का नाम जस्ट इस तरह ही आपां लिख देना आ। हुण देखो आपां सोनू नाम दे फोल्डर विच आ चुके हैं। हुण उस तो बाद सी डी डिस्कटॉप लिखिया तो डिस्कटॉप फोल्डर दे विच भी आपां आ गए हैं क्योंकि डिस्कटॉप फोल्डर जिहड़ा सोनू नाम दे फोल्डर दे विच पिया सीगा, सो इस करके आपां पहला यूजर एंड सोनू दे विच गया। हुण इत्थे आपां एक नोटपैड फाइल बनाउणी आ, सो नोटपैड फाइल बनाउण दे लई आपां टाइप करना है कीबोर्ड तो पहला टाइप करना है टाइप टी वाई पी ई टाइप, उस तो बाद स्पेस पा के नल, उस तो बाद ग्रेटर दैन द साइन, उस तो बाद टैक्स स्टडी डॉट टी एक्स टी, टैक्स स्टडी मतलब जो तुसी फोल्डर का नाम रखना चाहते हो फाइल का नाम, सो मैं फाइल का नाम रखे टैक्स स्टडी, ये नाम देखो फोल्डर बन गया, फाइल बन चुकी है अपनी नोटपैड फाइल। हुण देखो इनू ओपन करके आप कुछ लिखना आ, दैन वो भी आप इतों नहीं ओपन करना, आप कमांड के थ्रू ही ओपन करना, सो इतें आप टाइप करांगे नोटपैड, उस तो बाद जो भी फाइल का थोड़े नाम आ जिदा कि मैं फाइल का नाम टैक्स स्टडी रखिया सीगा, सो मैं वो फाइल का नाम लिख के डॉट टी एक्स टी मतलब कि उसकी एक्सटेंशन जिदा कि थानू सबनू पता कि नोटपैड की एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी हुंदी आ, जिदा कि आप पुरानी वीडियो दे विच देखिया सी नोटपैड वाली वीडियो, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख लैन। सो जो आप एंटर किया देखो अपना फोल्डर ओपन हो चुका है, सो इस फोल्डर के हम आप टाइप लिखांगे कुछ भी लिख दो जो भी तुम लिखना चाहते हैं, फिलहाल मैं लिख दिंदी हाँ दिस इज़ लॉकडाउन टैक्स स्टडी चैनल, मैं इतने लिख दिता, उस तो बाद इस नूं मैं हुण क्लोज कर दांगी। सो इस तरह जिहड़ा आ आपां नोटपैड विच लिख सकते हैं कुछ। नैक्सट कमांड हैगी अपनी रीनेम, मतलब हुण ये टैक्स स्टडी जिहड़ा आपां फाइल बनाई इहदा नाम चेंज करना होवे दैन आपां टाइप करांगे आर ई एन, मतलब रीनेम दे लई इहे कमांड यूज़ कीती जांदी, उस तो बाद जिहदी फाइल का नाम चेंज करना उस फाइल का नाम टैक्स स्टडी डॉट टी एक्स टी आ, तो उहनूं किहदे विच चेंज करना आपां उहदा नाम चेंज करना लॉकडाउन दे विच, सो आपां लॉकडाउन डॉट टी एक्स टी लिखिया और एंटर किया। हुण देखो जिहड़ी अपनी डिस्कटॉप ते फाइल सीगी टैक्स स्टडी उसका नाम चेंज हो गया है लॉकडाउन। हुण मान लो कि इस फाइल नूं आपां मूव करना आ, हुण देखो मूव कमांड लई मूव कमांड यूज़ करनी पैनी आ मूव करन लई फाइल, सो आपां यूज़ करांगे इत्थे टाइप करांगे मूव, उस तो बाद ये फाइल दा नाम दवांगे कि जिहड़ी फाइल नूं मूव करना आपां लिखिया लॉकडाउन डॉट टी एक्स टी और इन्हें जिथे मूव करना है उस तो बाद उदा लिंक देवांगे, मतलब कि उस फाइल का नाम मान लो हुण जिहड़ी अपनी डी ड्राइव सी आपां उहदे विच इन्हूं जिहड़ा आ इस फाइल नूं मूव करना है। देखो आ अपनी डी ड्राइव सी जिहड़ी पहला आपां ओपन कीती सीगी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ ਫਾਈਲਸ ਫੋਲਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਪੈਡ ਫਾਈਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਡੀ ਕੋਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੈਸ਼, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਰਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਨੋਟਪੈਡ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀਡੀ ਡੋਟ ਡੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਡੋਟ ਡੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਕੋਲਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਡੀ ਸਪੇਸ ਸਲੈਸ਼, ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਨ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਦੈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀ ਲੋਕਲ ਡਿਸਕ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਡੇਟ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾਲ। ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਡੀ ਆਪਣੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਮ ਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਐਮ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋਕ ਐਕਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋਕ ਐਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਮ ਡੀ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋਕ ਐਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋਟ ਡੋਕ ਐਕਸ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਫੋਲਡਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋ ਡੋਕ ਐਕਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰ ਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਨ ਡੋਟ ਡੋਕ ਐਕਸ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਰ ਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੋਕ ਐਕਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਲਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਰ ਡੀ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਟੈਕ ਲਿਖ ਦਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਫੋਲਡਰ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਫੋਲਡਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਟਰ ਲਿਖ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬੈੱਲ ਬਟਨ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।